जिला बिलासपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित खेल मंच उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सके। ये बात विधायक सुभाष ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के खेल मैदान में छात्राओं को जिला स्तरीय अंडर 14 खेलों का शुभारम्भ करते हुए कही। जिला बिलासपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित खेल मंच उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकें। ये बात विधायक सुभाष ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के खेल मैदान में छात्राओं की जिला स्तरीय अंडर 14 खेलों का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला में खेल छात्रावास इंडोर स्टेडियम के रखरखाव के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं ताकि यहां पर रहने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि बिलासपुर खेलों का हब है, यहाँ पर जल, थल और वायु तीनों प्रकार के खेलों को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीनों खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला में साहसिक खेलों, पैराग्लाइडिंग जैसी खेल गतिविधियां जिला में आयोजित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि जो खिलाड़ी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहें तथा अपना ध्यान पढ़ाई तथा खेल गतिविधियों पर केंद्रित करें। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों के बारे में पूरी नजर रखें। उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि बच्चों को उनकी रुचि के विषय चयनित करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे मन लगाकर उस विषय को पढ़ें। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना तथा अनुशासन में रहकर खेलने का आह्वान किया। मैं इस जिला स्तरीय जो है अंडर 14 टूर्नामेंट्स में 54 स्कूलों से 526 प्रतिभागी आए हैं। यह सौभाग्य हमें मिला है कि पूरे जिला से और जिला के 54 स्कूलों से खिलाड़ी छात्राएं यहां आई हैं, बेटियां यहां आई हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र में आई हैं। मैं आप सबके हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने ये स्थान रखा, मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में और प्रदेश में एक संवेदनशील सरकारें हैं और शिक्षा जगत को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चिंतित भी रहते हैं और उसके सुधार के लिए पग भी उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि बिलासपुर वह जिला है जिसने अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और बिलासपुर जिला एक ऐसा स्थान है जहां हर प्रकार की स्पोर्ट्स होती है, चाहे वह एडवेंचर स्पोर्ट्स है, चाहे बार्टर स्पोर्ट्स है। और बिलासपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि बाकी जगहों से बहुत बेहतर है। आपके लूणू में 9 करोड़ की लागत से रेसिंग ट्रैक के ऊपर का इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बन रहा है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यहां पर एथलेटिक्स होगी। यह सौभाग्य बिलासपुर के लोगों को, खिलाड़ियों को मिलेगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी जयपाल शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए बताया कि 4 दिन चलने वाली इस खेल कूद प्रतियोगिता में 54 स्कूलों के लगभग 550 छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि खेल कूद प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस, जूडो, हॉकी, बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल की खेलें खेली जाएंगी।